क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि आखिर किसने म्योनिर के इन टुकड़ों को उठाकर यहाँ पर रखा, जिसकी वजह से ये शोपीस के जैसे सबको दिखाया जा रहा है? या वैल्करी यहाँ इमोशन गॉड्स के कपड़े कहाँ से लाई? अगर हाँ तो सही जगह आए हो, जहाँ आज के इस वीडियो में हम थॉर लव एंड थंडर के कुछ ऐसे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जिसको मैंने नोटिस तो मूवी देखते वक्त ही कर लिया था, बट अच्छी क्वालिटी में आने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना सकूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो भाइयों, आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि थॉर रैग्नारोक में म्योनिर के टुकड़े तो नीचे गिर गए थे टूटने के बाद, तो फिर ये थॉर लव एंड थंडर में ऊपर में कैसे आया जहां इसको शोपीस के जैसा रखा गया है? कईयों का ऐसा मानना है कि थॉर ने यहां पर मदद की होगी क्योंकि वही वर्दी है म्योनिर के टुकड़ों को उठाने के लिए, प्लस एवेंजर्स एंड गेम में थॉर न्यू एस्गार्ड में ही था तो उस दौरान उसने ऐसा किया होगा, बट ऐसा नहीं है। असल में उन लोगों ने जहां पे म्योनिर के टुकड़े गिरे थे उसके आजू बाजू ही गड्ढा खोद दिया, जिसके वजह से आप इस सीन में देख सकते हैं कि जिस पत्थर में बैठकर ओडिन ने लोकियन थॉर को अलविदा कहा था वो म्योनिर के पोजीशन के बराबर है, वहीं बाकी सब उसके ठीक नीचे है। यहाँ पर मौजूद सीढ़ी इस बात को कन्वे कर रही थी, बट कुछ लोग कंफ्यूज थे तो सोचा इसको पॉइंट आउट कर दूं। वेलहेला में जब हमें हेमडाल दिखाया जाता है तब उसकी आंखों में आप येलोइश इफेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन वो ग्लो नहीं कर रहा था, विच इम्प्लाइज कि भले ही वो वेलहेला में हो लेकिन अभी भी वो मॉर्टल रियलम में नजर रखता है, एंड इसीलिए उसे पता था कि जेन फॉस्टर ने उसके बच्चे को बचाने में एक अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से जब वो वहां आती है तो वो उसे थैंक्स कहता है। मे बी एक छोटी सी हिंट हो सकती है कि आगे जाकर हमें हेमडाल और जेन फॉस्टर वापस से एमसीयू के अंदर देखने को मिले। एनीवेज, कई सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे थे कि रापू के खून का कलर गोल्डन था, वहीं जहाँ ओमनीपोटेंट सिटी में जो सोल्डर्स थे उनके भी खून का कलर गोल्डन था, लेकिन थॉर जो कि एक गॉड है उसके खून का कलर रेड था। तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो गोल्डन खून आप बोल रहे हो उसको ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, जहां इसको एक और कहा जाता है। ये चीज हमें गॉड ऑफ इजिप्ट नामक मूवी में भी दिखाया गया था, इसीलिए मैंने मूवी निकलने से पहले ही बोला था कि ऐसा हो सकता है कि कुछ गॉड्स के ब्लड को गोल्डन कलर में दिखाया जाए, एज थॉर लव एंड थंडर सिर्फ एक कल्चर के गॉड्स को नहीं बल्कि कई सारे कल्चर के गॉड्स को दिखा सकता है। मूवी में भले ही हमें ये ना दिखाया गया हो कि गॉर ने एट्री को मारा, बट ये बात शायद तक इनडायरेक्टली हम तक कन्वे कर दिया गया था इस सीन के द्वारा, जहां हम देखते हैं कि एक पेपर में स्टॉर्म ब्रेकर बना हुआ है जिससे इटर्निटी तक पहुंचने का रास्ता खुल रहा है। एज स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने वाला एट्री था तो ये पेपर गॉर को उसी के पास से मिल सकता था। इनफैक्ट थॉर लव एंड थंडर का एक सीन था जहां पे गॉर एत्री से मिलता है, जिसको मूवी से हटा दिया गया, तो मे बी वो सीन यही होता जहां पर हमें ये दिखाया जाता कि गॉर को ये पेपर कहां से मिला। आप लोगों में से कई लोगों का ये कहना था कि स्ट्रॉम ब्रेकर तो इन्फिनिटी वॉर के टाइम बना था, तो फिर ये चीज कैसे पॉसिबल है कि स्ट्रॉम ब्रेकर से ही इटर्निटी तक पहुंचने का दरवाजा खुल सकता है, और या फिर उसको प्लान आउट किया गया हो? तो गाइज, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी बार बाइफ्रॉस्ट खुलता था उसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट होता था। सिमिलर टाइप का डिजाइन आप इटर्निटी के इस मूर्ति के चेस्ट में देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट वे में था, तो आप कह सकते हो कि स्ट्रॉम ब्रेकर वो कीथ था। अब आपका सवाल यही होगा कि स्ट्रॉम ब्रेकर हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था और उसी में बनाया गया था, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि भले ही स्ट्रॉम ब्रेकर को इन्फिनिटी वॉर में बनाया गया था बट उसका मोल्ड बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन उसको फॉर्ज नहीं किया गया था क्योंकि स्ट्रॉम ब्रेकर मोस्ट पावरफुल वेपन था एस्गार्ड के हिस्ट्री का, जिसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो उसे यूज ही नहीं किया गया। थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर थॉर के जो ग्रैंडफादर रहते हैं बोर, उन्होंने भी बाइफ्रॉस्ट को यूज किया था, तो ये चीज तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि शुरुआत से ही बाइफ्रॉस्ट का यूज किया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉम ब्रेकर बहुत पहले ही बन चुका था और उसी वक्त ये चीज उसमें डाल दी गई थी कि वो इटर्निटी तक पहुंचने का रास्ता हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो थॉर ने इटर्निटी के पास जाकर क्यों ये विश नहीं मांगी कि सारे लोगों को वापस ले आए या फिर स्नैप को रिवर्स कर दे? तो बॉस, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें गौर की, तो जब गौर यहाँ पे थॉर की एंट्री को देखता है तो वो खुश होता है, जिससे हमें ऐसा लगता है मानो वो इसलिए खुश है क्योंकि उसे एक और गॉड मिल गया मारने के लिए, बट ऐसा नहीं है। असल में वो इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि थॉर के पास स्ट्रॉम ब्रेकर था जिससे बायफ्रॉस्ट खुला जा सकता था।
जिससे उसको इटर्निटी तक पहुंचने में आसानी होती। गौर गॉड्स को इसलिए नहीं टारगेट कर रहा था क्योंकि वो गॉड्स थे, बल्कि वो उनको इसलिए टारगेट कर रहा था क्योंकि उसको स्टॉर्मब्रेकर विल्डर को ढूंढना था। अब इस अनंत ब्रह्मांड में इतने सारे गॉड्स हैं, तो उन सबको वो मारते जा रहा था ताकि वो स्टॉर्मब्रेकर विल्डर को ढूंढ सके। प्लस उसका प्रैक्टिस भी हो जा रहा था। एज गौर कोई वॉरियर नहीं था, तो जब वो स्टॉर्मब्रेकर विल्डर से सामना करता तो वो उसको हरा दे, इस बात की भी थोड़ी सी श्योरिटी बनती। गौर यहाँ पर एक गॉड, एक डेमी गॉड और एक वॉरियर को देख के ही भाग गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो उस वक्त तक प्रिपेयर्ड नहीं था। एनीवेज, एक चीज जो हम फैंस चाहते थे और वो ये था कि गौर ओमनीपोटेंट सिटी में हमला करे और वहां के कुछ गॉड्स को मारे। लेकिन गौर कभी भी ओमनीपोटेंट सिटी जाने की गलती नहीं करता, क्योंकि वहां वो शैडो के जरिए मूव या भागने वाले पावर को यूज नहीं कर सकता था। जूस के पास ये इंटेल नहीं थी, इसीलिए उसकी उससे फटी पड़ी थी कि गौर किसी तरह यहाँ पहुंच गया तो शायद तक वो हमें भी मार सकता है। प्लस उसके पास नेक्रोसवॉर्ड है तो वो पावरफुल होगा ही, लेकिन अगर गौर वहां आता तो गौर की ही वहां पे बैंड बज जाती, क्योंकि गौर उस वक्त तक उतना स्किल्ड नहीं था। प्लस वहां इतने सारे गॉड्स थे प्लस सेलेस्टियल्स थे, तो वो लोग उसको हैंडल कर ही लेते। प्लस ओमनीपोटेंट सिटी में इतनी चमक धमक थी कि वो वहां काफी कमजोर होता। इसीलिए गौर को बैडएस दिखाने के लिए हमें ये दिखाया गया कि थॉर, माइटी थॉर और वैल्करी और कॉर्ग उसके रियलम में जाते हैं, जहां पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जहां पर वो ना सिर्फ वैल्करी को जख्मी कर देता है और बाकी सब थॉर को अच्छी खासी टक्कर देता है। बाय द वे, शैडो से निकलकर मारने वाला ये सीन गौर का कमाल का था, बट उससे भी कमाल का था ये सीन जहां पर मीक ने व्हाइट बोर्ड में थॉर लव एंड थंडर की पूरी स्टोरी को पहले ही हमें बता दिया था। इवन यहां पे कुछ ऐसे डिटेल्स भी थे जो कि हमें मूवी में नहीं दिखाए गए, जैसे कि वैल्करी इस सीन के अंदर क्या सोच रही है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। जहां इस व्हाइट बोर्ड में आप देख सकते हैं कि वैल्करी भले ही यहां मीटिंग अटेंड कर रही हो, लेकिन उसका दिमाग उन दिनों में है जब वो वॉरसॉन्ग में सवार होकर एक वॉरियर के जैसे लड़ती थी। इसके अलावा यहां आप देख सकते हैं कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड थॉर यहां किसी से लड़ रहे हैं और उसको कोई मोटा सा कैरेक्टर पत्थर में उठाए हुए हैं, जो कि थॉर लव एंड थंडर के सैटर्न के कॉन्सेप्ट आर्ट से बहुत हद तक मैच खाता है। इसके अलावा मीक के हिसाब से एंड में थॉर, थंडरबोल्ट एंड लव म्योनिर लेकर हैप्पीली लिव्ड आफ्टर रहते, बट मूवी के एंड में म्योनिर के साथ हमें थॉर दिखा, वहीं स्टॉर्मब्रेकर के साथ लव दिखती है। मैं प्योर व्हाइट बोर्ड का ब्रेकडाउन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ऑडियंस इतनी समझदार है कि वो उस व्हाइट बोर्ड में क्या बना है उसको आराम से समझ जाए, एज उन लोगों ने मूवी भी देख रखी है। वेल, मूवी में हमें दिखाया जाता है कि वैल्करी यहाँ इमोशन गॉड्स के कपड़ों को लाती है, बट क्या आपने नोटिस किया था कि जब थॉर हमें ये बता रहा होता है कि जिस सभा में जूस हमें दिखेगा वहां पे सिर्फ इन्विटेशन दिए गए लोग ही जा सकते हैं, तभी हमें ऑन स्क्रीन के राइट साइड के कॉर्नर में हम सेम ड्रेस पहने हुए उन इमोशन गॉड्स को देख सकते हैं। यहाँ पर वैल्करी ने इस बात तक का भी ध्यान रखा था कि वो लोग पकड़े ना जाएं, इसीलिए कॉर को सबसे लंबे गॉड वाला ड्रेस दिया था। हमें देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने रैंडमली यहाँ पे कपड़े बांट दिए, बट ऐसा नहीं था। ये काफी माइन्यूट डिटेल था, तो सोचा इसको बता दूं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, एंड अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही डिटेल्स मिस ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।